हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्चनास विलेज किचन में। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट, हेल्दी और चटपटा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की रेसिपी, या यूँ कहिए नाश्ते की रेसिपी। आप इसे जब भी मन हो आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी, और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। और यहाँ पे कढ़ाई हमने रख दी है गर्म होने के लिए, और उसमें 2 चम्मच हमने तेल डाला है, जो आप पसंद हो उसके साथ आप बना सकते हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने 2 से 3 कलियाँ लहसुन की और बारीक इसे कट करके इसमें डाल दी है। और फिर उसके बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे, और प्याज को चलाते हुए इसे हम हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका हमें कच्चापन जो है थोड़ा सा दूर करना है, हल्का सा। और फिर उसके बाद इसे हल्का सा सॉफ्ट होने के बाद इसमें हम 2 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा हरा मटर डाल देंगे। और उसके बाद पतले पतले आकार में, इस तरह से लंबे आकार में हमने कट किया है, इस तरह से गाजर को हम डाल देंगे। और गाजर को डाल के भी हम इसे चला लेंगे, और इसे भी हल्का सा थोड़ा सा ही भूनना है, ज़्यादा हमें इसे भूनना नहीं है। और फिर उसके बाद इसमें हम शिमला मिर्च को डाल देंगे, और शिमला मिर्च को भी हमने इसी तरह से पतले पतले स्लाइस में कट किया हुआ है। आप जो भी सब्जियां चाहें, जो भी आपके घर में हो, उपलब्ध हो, उसके साथ भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी होता है। जो भी सारी सब्जियां हैं आप उसमें डाल दीजिए और फटाफट से बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान और सिंपल सा नाश्ता है ये। और इसमें हम डालते हैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम 1 चम्मच मैगी मसाला डालेंगे। मैगी मसाला से इसका टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसे हम डाल के इस तरह से भून लेंगे। जैसा आप तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से आप मिर्च को डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी ही मिर्च हमने डाली है, क्योंकि 2 मिर्च पहले भी हमने डाली हुई थी। और इसे डाल के हम हल्का सा भून लेंगे सारे मसालों को इस तरह से। और इसे भूनने के बाद यहाँ पे 1 चम्मच हम इसमें विनेगर डालेंगे, और आप चाहें तो नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे, और इसे भी हम इसे चला लेंगे इस तरह से डाल के। अगर सोया सॉस और विनेगर नहीं डाल रहे हैं तो सिर्फ आप इसे, जो मसाला मैंने मैगी वाला डाला था उसके साथ भी आप इसे बना सकते हैं। और यहाँ पे सेवइयाँ ली हुई हमने, सेवइयाँ ये हमारी भुनी हुई सेवइयाँ हैं। आप अगर आपकी सेवइयाँ भुनी नहीं है तो आप उसे हल्का सा घी डाल के भून सकते हैं। और यहाँ पे सेवइयों को हम इसमें डाल देंगे, और बहुत मोटी वाली नई सेवइयाँ हैं, ये नॉर्मल वाली सेवइयाँ हैं। इसी के साथ हम इस नाश्ते को, यानी सेवइयाँ उपमा को बना रहे हैं। और इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। सबसे पहले 1 ही कप डालेंगे, बाद में ज़रूरत लगे तो फिर हम डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी इसमें हम नहीं डालेंगे। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये हलवा हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा पानी ही डालेंगे। फिर पहले थोड़ा सा पानी डाल के चला लेंगे अच्छी तरह से, फिर कम लगा तो फिर थोड़ा सा डाल देंगे। यहाँ पे 1/2 कप से भी कम पानी थोड़ा सा हमने डाल दिया है। और फिर उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। जैसा भी आप नमक पसंद करते हो वैसा नमक आप डाल सकते हैं। और नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और मिला के इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के इसे पका लेंगे, तब तक के लिए कि जब तक पानी इसका ख़त्म ना हो जाए। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक हमने कम आंच करके छोड़ दिया था, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका पानी जो है एकदम सूख चुका है, और ये बनकर पूरा तैयार है खाने के लिए गर्मा गर्म। और अब हम इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल देंगे। अगर आप पसंद करते हो तो डालिए, या फिर इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे टोमेटो केचप तो बच्चों को बहुत बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और फिर उसके बाद थोड़ी सी धनिया पत्ती लास्ट में डाल देंगे, और डाल के इसे मिला लेंगे। तो देखा दोस्तों, कितना इजी और कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से बन जाता है, झटपट से।
बन के तैयार हो जाता है, कोई झंझट नहीं है इसे बनाने में। जो भी सब्जियां हो उसके साथ आप बना लीजिए फटाफट से, और इसमें बहुत ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं होती है, और ये हेल्दी होता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा ये नाश्ते की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो दोस्तों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अलग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।